अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। बहुत ज़्यादा गर्मी, मौसम की नज़र इतनी नहीं आ रही जितनी सियासत में गर्मी नज़र आ रही है। एक तरफ पीडीएम बनाया गया कुछ इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए, मगर वो शायद इत्तेहाद अब बरकरार कहीं नज़र आ नहीं रहा क्योंकि अपने इत्तेहाद के अंदर ही टूट फूट हो चुकी है। हुकूमत जो पहले मुतमईन होने का दावा करती नज़र आ रही थी, वो शायद अब वाकई मुतमईन नज़र आ रही है क्योंकि खान साहब अपने जो उमूर हैं उनके उसमें लग चुके हैं, उनके वज़रा अपने कामों में लगे हुए हैं और अपोजिशन में जो पीडीएम बैठी थी वो आपसी लड़ाई में अब लग चुकी है। शायद हुकूमत का जो टोटका था इनको आपस में लड़वाने का वो काम कर चुका है। पीपल्स पार्टी अपनी डगर पे चल रही है, नून लीग ने अपना ट्रैक बनाया हुआ है, मौलाना साहब उस ट्रैक पे अपनी ट्रेन लेके चलते आ रहे हैं। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी जिसको अब कहा जा रहा है कि ये अपनी अलग ही ऑपोजिशन लेके और अकेले ही ऑपोजिशन को संभाल सकती है, जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं अकेले ऑपोजिशन चलाने के लिए, तो क्या ऑपोजिशन को हैंडल करने के लिए या ऑपोजिशन पे अपनी गिरफ्त बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का इस्तेमाल किया, मौलाना साहब का इस्तेमाल किया और जो हुकूमत तंस देती थी, जो तंस का तीर चलाती थी कि मौलाना साहब को इन लोगों ने विकेट कीपर के तौर पर इस्तेमाल किया है और बाद में ये लोग मुंतशर हो जाएंगे, वो शायद उनकी जो पेशगोई थी हुकूमत की वो शायद अब साबित हो चुकी है। जिस तरह से पीडीएम में से पीपल्स पार्टी ने अपना पी अलग निकाल लिया है और जो चेयरमैन सेनेट को नहीं बन सके मगर ऑपोजिशन सेनेट गिलानी साहब को बना दिया गया, किस तरह से इन चीजों को हैंडल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ही पीडीएम मुंतशिर हो चुकी है या अभी भी जिस तरह से शाहिद खाकान अबासी साहब ने कहा कि हम एक दूसरे को शोकाज नोटिस दे रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए जाते नजर आ रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बयान दिया था अपना, क्या सूरत हाल चल रही है? पीडीएम इसको क्या वाकई ही सीरियस ले रही है या इसको एक लाइट मोड में लेके वो अपनी ऑपोजिशन की जो सियासत है उसको बरकरार रखेगी और जिस तरह से उन्होंने हुकूमत के साथ चलने का भी एक इशारा दिया, क्या वाकई हुकूमत के साथ हाथ मिलाया जिस तरह से मुस्लिम लीग नून खदशात का इजहार कर रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे टेलीफोन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं सीनेटर ज्ञानचंद साहब हैं। ज्ञान साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी का अब ये मौकफ सामने नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अकेले ही ऑपोजिशन को हैंडल कर सकती है, तो क्या हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करा ऑपोजिशन लीडर या चेयरमैन सेनेट बनने के लिए जो शायद नहीं बन सके? हेलो ज्ञान साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आवाज आ रही है। ज्ञान साहब मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था कि हम एक ऑपोजिशन का इत्तेहाद बना के पीडीएम की सूरत में जो आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह बढ़ते नजर आएंगे, मगर अब जो इख्तलाफात जो दरारें पड़ती नजर आ रही हैं और फिर पीपल्स पार्टी का ऐसा कहना कि हम अकेले ही ऑपोजिशन को संभाल सकते हैं, किस तरफ जा रही है पीडीएम? क्या पीपल्स पार्टी अलग हो रही है इससे या अभी भी साथ में ही है? पीपल्स पार्टी की तो पूरी तारीख जदोजहद की तारीख है। पीपल्स पार्टी ने आवाम के हुकूम के लिए हमेशा जदोजहद की है, जंग की है। सही। अमेरिकी कुवतों के साथ उन्होंने एक एक तारीख रखी है, बाकी लोग तो जो भी है वो कभी किधर कभी किधर रहे हैं। हमने तो जब भी जदोजहद के मैदान में आए हैं सब डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं उनको साथ रखने की कोशिश की है। इस दफा भी हम कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी के इस जदोजहद में जो भी हमारा साथ दे सकते हैं वो दें। इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर बातें करने से मामला आगे नहीं चल पाएंगे। हमें पता है कि पीपुल्स पार्टी कहाँ किस हद तक जदोजहद कर सकती है, मैदान निभा सकती है। ये तो हमारी पीडीएम जो है ना वो लॉन्ग मार्च करते करते ही बिखर गई और लॉन्ग मार्च करते करते इसलिए बिखर गई कि ये पार्लियामेंट को छोड़ना चाहते थे, हम पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते हैं, अंदर जाकर हुक्मरानी का हक के हुक्मरानी जो अवाम का है वो हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे में और उन बाकी लोगों में जरा ज्ञान साहब यहाँ मुस्लिम लीग नून का भी अभी ये मौकफ शायद सामने आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अकेले ही हुक्मरानी करना चाह रही है ऑपोजिशन की भी, तो क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ इस्तेमाल किया गया पीडीएम को पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए हमने तो कभी भी बैकडोर इस्तेमाल किए नहीं है, हमने सीधी बात की है। हमने ये पीडीएम बनाने के लिए जब बिलावल साहब एफर्ट ले रहे थे और उसके जो चार्टर बनाया गया कि ये डिमांड होगी वो सब की सब डिमांड कोई इक्तदार की जंग नहीं थी, इमरान खान के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हटाने की भी बात नहीं थी, ये थी कि जो सिस्टम है अगर यही सिस्टम है तो फिर ये
सिस्टम और कठपुतली लाने वालों की मर्जी है जिसको बिठा दे। अगर नहीं तो पार्लियामेंट को मजबूत करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना पड़ेगा, लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने जलसे जुलूस पूरे पाकिस्तान में के लोगों में अवेयरनेस पैदा की और लोगों को तैयार किया कि वो लॉन्ग मार्च के लिए आए। और पीपल्स पार्टी फुली लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी। उस मरहले पे वही लोग पीडीएम के खिलाफ है, पीडीएम के को नहीं चलने दे रहे, फिर उन्हें एन जब लॉन्ग मार्च शुरू करना था उस मरहले पे ये शर्त लगा दी। लेकिन जहां तक इत्तला थी ज्ञान साहब, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये जो अफवाहें जो खबरें गर्दिश थी वो ये थी कि पहले इस्तीफा होगा फिर लॉन्ग मार्च होगा, तो क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थी, सिर्फ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी? और जिस तरह से पीडीएम का वाज मौकफ था कि इस्तीफे देने से हुकूमत पे प्रेशर बनेगा, और आज जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं कि अगर हुकूमत के साथ चलना पड़ा तो वो भी चलेंगे, तो क्या हम ये समझे या आवाम ये समझे कि पीडीएम के तौर पर इस्तेमाल करा पीपल्स पार्टी ने और फिर हुकूमत से हाथ मिला लिया और अब तमाम चीजें हैंडल करना या स्टेबल करने के तौर पर लगी हुई पीपल्स पार्टी? देखिए, हाथ मिलाना हम पीछे ही नहीं, डायलॉग हो सकता है। हाथ मिलाने का मकसद यही होता है कि बैकडोर से आप कोई डील करें। डील हमने कभी की नहीं है, हमने जदोजहद की है। बाकी जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है तो पीडीएम तो बाय इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहती थी, पीडीएम तो सेनेट इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहती थी, पीडीएम तो सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहती थी। हमने कहा कि नहीं, ये एक मगर फिर ऑपोजिशन का जो सिलेक्शन होना यूसुफ रजा गिलानी साहब को सामने रख देना, तो क्या ये तमाम मामले पीडीएम के अंदर डिस्कस नहीं हुए थे? पीडीएम का ये भी फैसला था कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के लिए काफले निकलेंगे, उसमें कहीं भी इस्तीफों का जिक्र नहीं था। पूरी दुनिया जानती है, पूरी पाकिस्तान जानता है कि पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा ये आज का फैसला नहीं है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, शहीद भुट्टो साहिबा का फैसला था कि हमने 85 इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर गलती की थी। आइंदा चाहे हमें एक भी सीट ना मिले लेकिन पार्लियामानी पॉलिटिक्स का हम हिस्सा रहेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लोगों को जो धांधली होगी कुछ भी जो भी गलत होगा, ठीक है, सियासत तो सियासत का हिस्सा रहना या सियासत में जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, चाहे इसके लिए हाथ भी मिलाना पड़े या लॉन्ग मार्च की सूरत में भी जाना पड़े। चलें गिलान साहब, मैं यहाँ ये बात जानना चाहूंगा, क्या पीडीएम में वाकई दरारें पड़ गई हैं, पीपल्स पार्टी अलग हो रही है? और जिस तरह से बिलावल साहब का ये बयान कि जिनके वोटों से या जिनको जिनकी वजह से गिलानी साहब हारे थे उन्हीं के वोटों को इस्तेमाल करके हमने गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया था, नाअहल करवाया था जिन्होंने, उन्हीं के वोटों से हमने अपोजिशन लीडर बनवा दिया, तो हम क्या समझें, क्या वाकई किसी चीज को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी, वाकई सियासत कर गई है पीडीएम के अंदर नून लीग और मौलाना साहब से? नहीं देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब ने वैसे कहा तो ठीक है, सच बहुत बहुत कड़वा होता है। अच्छा। हम चाह रहे थे कि किसी को कोई चिट्ठा ना दिखाए, जो हमें हम पर तनकीद कर रहे हैं उसको चिट्ठा ना दिखाएं, अपोजिशन मुतहद रहे। सही। लेकिन अगर उनको शौक है कि भाई नहीं हम सोलो फ्लाइट करेंगे और अपोजिशन को साथ नहीं होंगे, तो ये तो इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत की ही मदद की जा रही है ना, बैकडोर में पता नहीं क्या 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 तय हो रहा है। ये तो पीपुल्स पार्टी ने तो जेल को का सामना किया है, अभी भी पाकिस्तान में रहकर पीपुल्स पार्टी को तो सब लोग फेस कर रहे हैं, हमने तो नहीं, नो डाउट हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे कि कुर्बानियां दी हैं पीपल्स पार्टी ने या नहीं दी, हम इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, सबके अपनी पार्टी के अपने मौकफ होते हैं, मगर पीडीएम में जो बैठना असल में मौकफ ये था कि पुरानी जो तलखियां थी उन्हें भुलाकर हम साथ में बैठे इस मौजूदा हुकूमत को जो आप बुरा कह रहे थे, और आज गिलानी साहब ये जिस तरह से पीपल्स पार्टी में गिलानी साहब का ये जुमला कि हम हुकूमत के साथ चलने को, लेकिन एक तरफ हुकूमत को बुरा कहना फिर उसके साथ चलना, ये तमाम चीजें कुछ शकों को शुबा जन्म दे रही हैं कि पीडीएम से अलहदगी होती जा रही है पीपल्स पार्टी की। नहीं, साथ चलने का तो मैं नहीं समझता कि कहा होगा, मैंने नहीं सुना, लेकिन ये जरूर कह हो सकता है जो पीपुल्स पार्टी का मौकफ है कि डायलॉग से हम कभी नहीं पीछे हटते हैं, कोई भी डायलॉग की टेबल पे आएगा तो हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी हम कहते हैं
डायलॉग का नाम है, ठीक है, ये हथियार डायलॉग उठाने का नहीं है, जलाव गिराव का नहीं है। ये डायलॉग पीडीएम के अंदर क्यों नहीं किया गया, उससे पहले डिस्कस क्यों नहीं किया गया? पीडीएम क्योंकि हमने देखा जब चेयरमैन सेनेट के तौर पे इलेक्शन हो रहा था उस वक्त तो वाजे गुफ्तगू हुई, मगर जब अपोजिशन के लिए खड़े हुआ जा रहा था उस वक्त पीडीएम में मुस्लिम लीग नून मौलाना साहब को इस बात का कोई इल्म ही नहीं था कि जिस तरह से गिलानी साहब एकदम जीत जाएंगे और वो अपना जो मोटिव है वो सामने रख देंगे, बाकी लोगों को पीछे रहने दिया जाएगा, और अब जिस तरह से दो धड़े पीडीएम के अंदर बनते जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे इसका क्या मौकफ नजर आ रहा है? ये सब कामयाबियां पीडीएम के अंदर डायलॉग की वजह से आई, लेकिन पंजाब में जो सेनेट की इलेक्शन में आधे नून लीग आधे पीटीआई एक कायदा कफ्यू लीग, वो भी किसी डायलॉग का नतीजा था ना, हमने तो कभी क्वेश्चन नहीं उठाया कि वो कौन से डायलॉग थे। तो हम लोग कह रहे हैं कि डायलॉग अभी भी जो पीडीएम में इख्तलाफ आते हैं उसका भी सॉल्यूशन है तो डायलॉग है, वो अपने हर कोई अपनी अपनी जगह पे देखे और अपनी गिरेबान में देख कर फिर बात करे। ठीक है ज्ञान साहब, मेरे आखिरी छोटे से दो सवाल हैं, बस वो जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जिस तरह से अब धड़ेबंदी की खबरें सामने आ रही हैं और फिर कहा जा रहा है कि सेनेट के अंदर कुछ ऑपोजिशन की जो सीटें हैं वो कुछ अलग अलग होनी चाहिए, ऑपोजिशन में ही कुछ अलग अलग होनी चाहिए, तो इसी पे मेरा सवाल ये था कि क्या पीडीएम अब भी मौजूद है और उसके अंदर पीपल्स पार्टी अब भी मौजूद है? देखिए पीडीएम का तो कोई बाकायदा उसके तोड़ने या टूटने का ऐलान नहीं हुआ है, हम तो अभी भी चाहेंगे कि अपोजिशन मुतहद रहे, पीडीएम के उस प्लेटफॉर्म पे ही मुतहद रहे, लेकिन अगर किसी को अलग ही कोई करना है तो वो उनकी मर्जी है, उसका फायदा यकीनन गवर्नमेंट को ही होना है। तो यानी पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना साहब को मना लेगी कि गिलानी साहब भी अपोजिशन लीडर रहने चाहिए? हम तो समझते हैं कि उसका राइट है, उनको मानना चाहिए और उसको मनाने की कोशिश भी करेंगे कि उसका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन की पीपल्स पार्टी उसका राइट है लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो उनको मिलना चाहिए, इसके लिए हम उनको कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाकी अगर वो नहीं मानते और अपोजिशन को तोड़ना चाहते जी जी। तो उनकी मर्जी होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला गिलानी साहब के लिए ऑपोजिशन लीडर उनको बरकरार रखने के लिए। नून लीग और मौलाना साहब को मनाया जाएगा, पीपल्स पार्टी का यह मौकफ है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि फिर पीडीएम से जो पी है पीपल्स पार्टी का वो शायद वो निकाल लेंगे, और मे बी पॉसिबल कि ज़्यादातर जो हुकूमत के खदशात थे वो शायद कहीं अब खदशात उनके लिए हुकूमत के लिए सच होते हुए नजर आएंगे कि पीडीएम की सूरत में जो इत्तेहाद था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा, हुकूमत कुछ वक्त के लिए राहत की सांस शायद लेती हुई दिखाई दे। इस पर मजीद बात करेंगे प्रोग्राम में, हमारे साथ रहेगा, ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त सियासत की चल रही है, खासतौर पर पीडीएम को लेके, और पीडीएम के साथ साथ जो हुकूमत का स्टांस अब सामने नजर आ रहा है वो शायद उसने अब अपने कामों पर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब बाकी बचे कुछ दो ढाई साल रह गए हैं जिसमें कारकर्दगी दिखानी है उन्हें अवाम के आखिर उन्होंने जाते रहते करा क्या, क्या काम करके गए, किस तरह से उन्होंने मंसूबे दिए, और खासतौर पर अब जो पीडीएम का जो लेवल नजर आ रहा है हुकूमत को कि वो किस तरीके से चीजों को देख रही है या आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हुकूमत इस पे क्या नजर रख रही है, इस पे मजीद बात करेंगे। मास्टर टेलीफोन पे मौजूद हैं नीलम इरशाद साहिबा जो कि मुआविन खुसूसी सीएम पंजाब हैं, पीडीआई से उनका ताल्लुक है। नीलम साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पीडीएम के हवाले से बात कर लूँ, जो पीडीएम में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई है, पीटीआई का जो एक पहले से पेशगोई थी ये लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे वो शायद अब सच होती नजर आ रही है, किस तरह से देख रही है हुकूमत ने लड़ाई को? अब पीडीएम का क्या जिक्र करेंगे, पीडीएम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही अब, इट्स ओवर नाउ, क्या बात करेंगे पीडीएम की, कुछ रहा ही नहीं बात करने को, जब इनकी आपस में एका नहीं है आप और अब जब एक दूसरे को काट रहे हैं, और जो मरियम का हाल हुआ है, नूनी का जो हाल हुआ है, तो पीडीएम को तो मेरे ख्याल में इट्स गॉन केस, इट्स गॉन, मतलब डन, मतलब इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब जो हुकूमत चाहती थी जो उसने पेशगोई करी थी वो सच साबित हो गई है, तो हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग थी अपने मौकफ पे, हुकूमत के जाने से नहीं, इनकी आपस में एका नहीं रहा, तो इसमें हुकूमत का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना, इन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने अपने करप्शन बचाने के लिए सारे मिल बैठे, तो खूब मिलेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने, तो ही दीवाने हैं ना, मतलब बेवकूफ लोग हैं ना जो अपने पैसा बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इनको चाहिए कि पैसा वापस कर दें और उसके बाद पाकिस्तान में इज्जत से रहें, ले आए नवाज शरीफ को, बोले बेटी को ख्वार होने के यहाँ छोड़ा हुआ है,
वहाँ बैठा मौज कर रहा है, घूम फिर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, तो उसको बोलो कि अपने बेटों को यहाँ लेके आए, आए शॉप क्लियर करे, और उसके बाद पाकिस्तान से आके जैसे पाकिस्तानी रहते रहे, नहीं तो फिर वो क्या इसका जो हाल होगा आप अच्छा हम पहले ये देख रहे थे कि जब पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रहा और शायद अभी भी है, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं पीडीएम टूटी नहीं है, हुकूमत थोड़ी परेशान थी और जो उसके काम थे, जो जो उसके इकदाम थे, जो मंसूबे में बात होनी थी वो नहीं हुई, और अब जब पीडीएम में दरारें सामने आने लगी हैं तो अब हुकूमत मुतमईन है, तो हम समझें कि कहीं ना कहीं हुकूमत परेशान थी थोड़ी सी। इमरान खान कभी परेशान होने वाली चीज नहीं है, वो हर हाल में हर फील्ड में मुकाबला करना चाहते हैं, तो अभी ये कि हमने तो इनको कुछ कहा नहीं ना सुना है, लगे रहे आपस में, हम अपना काम कर रहे हैं, हम माशाल्लाह से अब देखे ना 65 प्लस को भी कोरोना होता है तो उसको हम 80 प्लस को हम घर बैठे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन का सिस्टम देख लें कोरोना के हालात में फिर भी पाकिस्तान का माशाल्लाह से आखिरी नंबर पे आता है, कि यूरोप को देख लो क्या हाल है, अमेरिका का देख लें क्या हाल है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अच्छा आदमी आया तो अल्लाह ने उसको रहमत उसके फरमाई दी है कि वो अच्छे काम करता जा रहा है, वो तो बड़े चल रहे हैं ये जो मर्जी नहीं, अच्छी बात है, हम भी उसकी तारीफ, हम उस काम की तारीफ करेंगे जो अच्छा काम हुआ होगा। हम परेशानी की अगर बात करें, खान साहब थोड़े परेशान तो थे क्योंकि हुकूमत होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट के लिए इतना जो स्ट्रांग मौकफ था वो हाथ में नहीं आ सका, सही तरीके से जिस तरह से उन्हें चाहिए था, एतमाद का वोट उन्होंने लिया, हफीज शेख साहब फिर कुछ बाहर हो गए, और फिर ऑपोजिशन की तरफ से जब गिलानी साहब खड़े हुए कुछ थोड़ी सी परेशानी, खान साहब थोड़े तो थे परेशान होंगे, उनको रखेंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे तो चेंज करना बनता है, तो ये तो इमरान खान को मालूम है ना, कुछ 11 जो फील्ड में कितने कौन बैट्समैन है, तो कौन बॉलर है, कौन अच्छा पिच पे तो वो तो नीलम साहब वो तो हारने के बाद आता है ना, कैप्टन देखें तो हमारे कप्तान अपने फैसले बहुत अच्छे करते हैं, नीलम साहब वो तो हारने के बाद हटा है ना, कि अगर उससे पहले मालूम होता, क्योंकि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखा दिए गए थे अभिषेक साहब, मगर वो तो हारने के बाद उन्हें हटाया ना, उस वक्त तो परेशानी थी ना कुछ ऑपोजिशन की जानिब से कि वो टफ टाइम दे रही है, उनको किसी और चीज में एलिजिबल है, जैसे असद उमर को हटाया उन्होंने माइंड नहीं किया ना, उनको फिर उसे बेहतर पोस्ट मिल गई, हफीज शेख खुद से उन्होंने बोला है ठीक है मैं रिजाइन, वो पहले ही दे रहे थे जिस जब उनके हारने की बात हुई थी, तो अब उन्होंने खुद से कहा है कि ठीक है तो इमरान खान ने कहा ठीक है आप किसी और को पोस्ट मिल जाएगी। अच्छा नीलम साहब मैं ये जानना चाहूंगा, इन लोगों को हटाया क्यों गया, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, अगर जिन लोगों की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो फिर उन्हें सेनेटर क्यों बनवाया जा रहा था, ये थोड़ी सी कुछ परेशानी, क्या खान साहब को कोई अच्छी तरीके से बता नहीं पा रहा है सही तरीके से, कोई कारकर्दगी की बात नहीं है, हमारे जहांगीर तरीन के साथ भी कोई इख्तलाफात नहीं है, तो फिर इनके साथ क्यों होंगे, हफीज शेख के साथ जो हुकूमत में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जहांगीर तरीन भी अपनी क्लियर करके तो वो भी वापस आएंगे हमारे पास, वो पीटीआई और जहांगीर तरीन और इमरान खान एक चीज है, तो अब आप कह रहे हैं हफीज शेख को निकाल दिया गया, सॉरी अच्छा नीलम साहब अगर 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 परेशानी कुछ नहीं थी इतनी, तो पंजाब में जिस तरह से मुकमका हुआ कुछ सीटों पे दस्तबरदारी वहां पर हमने देखी गई, कहीं कुछ कोई जीता कहीं कोई जीता, आपस में जो चीजें हैंडल कर ली गई, अगर परेशानी नहीं थी तो वहां टफ टाइम देना था फिर ऑपोजिशन को, अरे भाई इलेक्शन होते हैं तो जिला कैंपेन पे निकलता है, काम करते हैं, अपने वोटर लिस्ट तैयार करता है, सब कुछ होता है, और अब जब सेनेट के इलेक्शन है तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भाग दौड़ करके काम करने के लिए अब आगे आगे अगर इमरान खान हुए तो क्या वो मोदी को बुलाएंगे कि वो आके हमारा पाकिस्तान चलाएगा, हाँ इमरान खान ही है ना जिन्हें सारे फैसले करने, उन्हीं उन्हीं के ग्रुप में करने है ना, तो अब ये कि अगर वो इसमें परेशानी तो वो परेशान होने वाली चीज नहीं है, ठीक है, वो हमेशा कहते हैं घबराना नहीं है, इस हाल में भी कहते हैं घबराना नहीं है, अब देखिए चीनी इंशाल्लाह वो भी नीचे आ जाएगी, आटा भी नीचे आ रहा है, तो ये जो माफिया ग्रुप ने कैप्चर किया हुआ था पूरे पाकिस्तान की कमोडिटीज पे, अच्छा यही खान साहब ने कुछ डिस्क्राइब करा था जब कोई खातून ने उनसे जो जिस तरह से आवाम से वो बात करते हैं उन्होंने बात करी खान साहब ने, खातून ने कहा कि अगर इतनी सब चीजों के बावजूद भी हमें घबराना नहीं तो हम करें क्या, हमें ये बता दें, अगर हम थोड़ा सा घबरा ले तो हमें वो भी बता दें हम क्यों घबराए, खान साहब ने उस पर मुस्कुरा के जवाब दिया, यही माफिया के हवाले से उन्होंने डिस्क्राइब करा, तो क्या आवाम इस चीज पे थोड़ा सा मुतमईन होकर बैठ गया कि हाँ चले माफिया है कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा, या उनको रिलीफ चाहिए, आवाम को दरअसल में रिलीफ चाहिए ना, फिर आवाम की आंखें खुल रही हैं, एक्सपोर्ट में हमारी माशाल्लाह से कितनी बढ़ रही है, हमारी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कितना फायदा हो रहा है, हमारे सीमेंट इंडस्ट्री इतनी बूम पे गई है,
नीलम साहब मैं यही जानना चाहूंगा, आवाम की आंखें यकीनी तौर पे खुल रही हैं लेकिन शायद दूसरे फेज में खुल रही हैं। चीनी की कीमतें कहां पहुंच चुकी हैं? हुकूमती नरख कुछ 80-83 रुपए बताए मगर 100 रुपए से ऊपर चीनी बिक रही है, आटा कहाँ जा रहा है, दीगर जो जरूरी अशिया वो कहाँ जा रही है? आवाम की आंखें तो यकीनन खुल रही है कहीं ना कहीं। चीनी कम आए कम होगी, आप देखिएगा रमजान में इंशाल्लाह ताला चीनी कम होगी। आप खाली चीनी चावल आटे पे ना देखें, आप ओवरऑल पाकिस्तान को देखें। अगर टैक्स टाइम पे दे दिया जाए, टैक्स पूरा दे दिया जाए तो हमें कोई मोहताजी। चलिए मैं इसी पे सवाल कर लेता हूँ। जिस तरह से उन्होंने पंजाब में केपीके में लिस्ट दी है कुछ 80-83 रुपए किलो चीनी की, वहां 100 रुपए से ऊपर चीनी बिक रही है। दूसरी जानब चले हम रमजान में जान लेते हैं, चले रमजान में अगर कीमतें कम होती हैं तो वो यूटिलिटी स्टोर्स पे होती हैं। खान साहब ने टाइगर फोर्स बनाई के इन तमाम चीजों पे नजर रखने के लिए चीनी सबसे कम करवाएंगे। आप जंगी तो 20% अगर जंगी जिसमें इन्वॉल्व है तो 80% तो आपके नून लीग के और पीपल पार्टी के लोग इन्वॉल्व है। अगर वो सुधर जाती, अगर वो सुधर जाए अभी भी तो पाकिस्तान को चाहने वाले ही पाकिस्तान का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन है जिन लोगों ने। चलिए जो आपने जिस तरह से कहा कि जो माफिया बैठे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ते क्यों नहीं यहाँ पर? अरे कार्रवाई करने का टाइम आया, बॉन्ड उन्होंने देने का टाइम आया तो आपकी जुडिशरी ने उनको बाहर भगा दिया। जुडिशरी है अगर बाहर भेजा है तो किसकी वजह से भेजा है, किसने उन्हें ग्रीन शीट दी है बाहर जाने की और सेहत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के उन्हें जाने दिया गया था बाहर? डॉक्टर यास्मीन ने ओके किया था बिकॉज उन्होंने झूठा प्लेटलेट काउंट की रिपोर्ट दी थी, किसी और के प्लेटलेट की रिपोर्ट थी, नाम उनको नवाज शरीफ का लिख दिया। अब यहाँ हमारे पाकिस्तान में क्या कोई गांधियां क्या क्या नहीं होती, सारे रिकॉर्ड चला देते हैं, FIA की क्या, NAB के क्या, NDA के क्या, आग लगा देते हैं। चलिए नीलम साहब नवाज शरीफ साहब को अल्लाह की लाठी बेवास है, वो पड़ेगी इनको। चलिए उन्हें लाने वापस लाने के लिए कुछ किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, कुछ कर रहा है इस पे? भाई हमने ब्रिटिश हुकूमत से जब बोला है तो अब मैं बोलूं कि हम तो नवाब दर नवाब पाकिस्तानी मुसलमान थे, पूरे पूरे एशिया पे रूल किया हमने। चलिए नीलम साहब आप वो तो वो चले जब नवाज शरीफ आ जाएंगे साहब। अब अगर ये अगर इंसान अगर दुरुस्त हो जाए, अल्लाह से माफी मांग ले, चले रमजान में शैतान कैद होता है तो इसको बोलो कि अवाम से माफी मांग ले पैसा वापस। चलिए तो हुकूमत के लिए तो शैतान बाहर ही मौजूद है ना, जैसे वो हुकूमत कहती है कि जो माफिया बैठे हैं उनके लिए शैतान ही हो पाकिस्तान के दुश्मन है। चलिए मैं बात कर लूँ नवाज शरीफ साहब जब आएंगे जब का जब देखा जाएगा, जो इस वक्त मुल्क के अंदर है जहांगीर तरीन साहब मौजूद है, उनके पेड मुलाजिम पाकिस्तान के जो अवाम के मुलाजिम है वो सैलरी भी ले रहे हैं, वो लफाफे भी ले रहे हैं, क्या पारामिलिया क्या वो तमाम बातें तहकीकात के बाद ही सामने आती हैं, इस पे तो कोई कमेंट्स हम दे नहीं सकते बगैर तहकीकात के। उस पे चलिए नवाज शरीफ साहब को हम देख लेते हैं, वो जब आएंगे जब उनकी तहकीकात होंगी, जो इस वक्त मुल्क के अंदर जहांगीर तरीन साहब मौजूद है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? जहांगीर तरीन के खुद चल के अगर आए हैं जहांगीर तरीन तो वो अपने आप को क्लियर करके आपको दिखाएंगे। आप विद इन कपल ऑफ मेरे ख्याल में वीक की बात है, मैं मंथ भी नहीं बोलूंगी। और यही जहांगीर तरीन सबसे चीनी के जो इन्होंने धांधलियां की हुई ना, जो इन्होंने लूट मचाई थी, ये लेके देंगे हम इंशाल्लाह। तो अच्छा मैं किससे क्या क्या किया हुआ मैं अवाम अवाम यहाँ अवाम पार्टी के लोग साहब आवाम यही परेशान है कि क्या तमाम चीजों में नवाज शरीफ साहब चोर थे, उन्होंने सब चीजें चुराई हैं, पीपल्स पार्टी चोर थी, उन्होंने सब चीजें चुराई हैं, और जो हुकूमत के खिलाफ जो केसेस सामने आते हैं उन लोगों के हवाले से कुछ होता नहीं है और उनके लिए कहा जाता है कि वो अपने केस साबित करके आएंगे। हमारी केपीके में हुकूमत थी तब इमरान खान ने आपके सामने सेनेटर्स को हटाया, जो जो मिनिस्टर थे उनको हटाया। चलिए मैं इसी पे नीलम साहब मैं इसी पे बात कर लेता हूं। जो उन्होंने कुछ बागी अरकान का जिक्र किया था, खान साहब ने 15-16 कुछ कहा था, उनके हवाले से अब तक कोई रिपोर्ट, कोई मामला, कोई मीटिंग, कोई तहकीकात अब तक सामने नहीं आई है। क्या उन लोगों को पार्टी से निकाला, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी, उनके नाम भी कोई सामने रखे गए? अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आ सका है। क्या खान साहब इस पे करेंगे कुछ? अभी मैं ऑन एयर आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे लिस्ट दें अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व है तो
इमरान खान विल बी। अरे तो हुकूमत है नीलम साहबा, हुकूमत है आपकी, खान साहब ने एतमाद का वोट लिया है, और एतमाद का वोट लेने में वो लोग भी शामिल थे जो बागी अरकान थे जिन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिए थे सेनेट इलेक्शन के लिए, तो उन लोगों के नाम तो सामने आने चाहिए ना, उनके खिलाफ एक्शन तो हुकूमत को लेना चाहिए। बागी नहीं थे, अभी मैं कुछ अगर बोलूं तो हमारी हुकूमत के बीच में आ जाती है। अभी अगर पीपल्स पार्टी वाले ने और नून लीग वालों ने अपने मुखबर भेजे थे हमारे पास, तो उनमें से लोगों ने ऐसी हरकत की है, वो चलिए मुखबर की तो हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई स्टिंग ऑपरेशन तो हुकूमत ने भी किया था गिलानी साहब के बेटे के खिलाफ, वो भी उस पर भी तहकीकात हो रही है, नो डाउट। हम तो यही जानना चाह रहे हैं ना कि जो ऑथेंटिक प्रूफ मौजूद है उसके बेटे ने जो हरकत की, सारी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया के मीडिया पे चला है। चलो नीलम साहब वो लोगों का जहाज़ घूमता था वो क्या था फिर? अगर पाकिस्तानी कोई अपना जहाज क्या जान देने को भी तैयार है, हम जान भी देने को तैयार है अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी फौज के लिए। लेकिन नीलम साहब यह आवाम जान नहीं, आवाम रिलीफ मांग रहे हैं, आवाम कह रही है कि अगर हुकूमत आई है तो आवाम को रिलीफ चाहिए ना। आवाम हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ ना होती तो इन्होंने तिल का जोर लगाया, खान साहब ने जिस तरह का कि तमाम गुज़िश्ता अदवार में जो हुकूमतें थी उन्होंने जाते जाते फला कर्जा छोड़ा, फला कर्जा छोड़ा, इतने अरब का नुकसान, इतना अरब डेफिसिट में गए, खान साहब कितना कर्जा छोड़ के जाएंगे, कुछ हो रही है इस पे बात, क्या सब खत्म करके जाएंगे वो? आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, जो हमने मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें इतनी ज्यादा स्टेट बैंक से हमारा कोई कर्जा लेते नहीं। नीलम साहब मैं सवाल मेरा इतना सा है कि खान साहब भी कर्जा छोड़ के जाएंगे या वो सब कर्जा उतार के जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह खान साहब इस 5 साल में दुरुस्त करेंगे, अगले 5 साल में हमारी आने वाली नस्ल। चलिए बहुत शुक्रिया, सवाल कर जाएंगे अच्छी के वो पाए थे जैसे वो कहते हैं ना स्टूडेंट टाइम में पढ़ने के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया नीलम इरशाद साहबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, मगर जाते जाते मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि खान साहब जाते जाते पूरा कर्जा उतार के जाएंगे या कुछ कर्जा चढ़ा के छोड़ के थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता अदवार की हुकूमतों में हमने यही देखा कि कर्जे चढ़े और वो उतरे नहीं, और खान साहब ने जो इस वक्त कर्जा लिया आईएमएफ के पास जाने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा मगर आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, मगर जिस तरह से उन्होंने कल या परसों जिस तरह उन्होंने आवाम के सामने अपनी बात रखी उसमें आईएमएफ की शराइत गिनवाई गई, बनिस्बत इसके कि उन्होंने कहा था कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, क्या वजूहत ऐसी रही कि आईएमएफ के पास जाना पड़ा, और जाते जाते क्या खान साहब भी इसी तरह का कर्जा छोड़ के जाएंगे, और इस वक्त पीडीएम की मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है, इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि खान साहब वाकई परेशान थे पीडीएम से, और अब पीडीएम में जब दरारें सामने आई हैं तो खान साहब कुछ रिलैक्स हो चुके हैं, उनके वज़रा कुछ रिलैक्स हो चुके हैं, वो अपने अपने कामों में लग चुके हैं, मगर पीडीएम आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है। पीडीएम का अब असल में मुस्तकबिल है क्या, क्या वाकई इसी तरह इतिहाद के साथ चलेगी या टूट फूट का शिकार होगी, मजीद बात करते हैं, हमारे टेलीफोन पर मौजूद हैं असमतुल्ला नियाज़ी साहब हैं, तजियाकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। असमत साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं पीडीएम का मुस्तकबिल, कुछ नजर आ रहा है आपको? पीडीएम अब रही कहाँ है जनाब, पीडीएम तो टोटल कोलैप्स कर गई है, फेलियर है। शुरू में कुछ नजर आ रहा था कि कुछ शायद कोई रेजिस्टेंस दे पाए, लेकिन अब तो ये खुलकर सामने आ गई है कि जो पीडीएम है वो पीडीएम रही नहीं है, मूवमेंट नहीं रही है, बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। विद इन जो डिविजन हुआ है वो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उसका अपोजिशन को हुआ है, और अपोजिशन का नुकसान ये कि इस वक्त जो है आवाम की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा। आज अगर आप देखें, आज ही तकरीर की है अपना जो लीडर है सरहज के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो बाप जैसी पार्टी के साथ मिलकर अपोजिशन बने हैं और हुकूमती पार्टी के साथ मिलकर अपोजिशन लीडर बने हैं, वो फरमाते हैं कि वो अपोजिशन की भी आवाज बनेंगे। अच्छा इस वक्त आप क्या किस तरह से देख रहे हैं तमाम चीजों को, एक तरफ गिलानी साहब पीडीएम में ये लोग तमाम शामिल हुए पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को गिरा के रहेंगे, अब गिलानी साहब का ये बयान
कि हम लोग गिराने के लिए तो इतना नहीं, लेकिन हम साथ चलने को तैयार हैं, तमाम मसाइल पे एक साथ बात करने को तैयार हैं, इनके खिलाफ भी जा सकते हैं, हुकूमत के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या पीपल्स पार्टी ने आपको लगता है कि सिर्फ पीडीएम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, आवाम की कोई फिक्र नहीं थी? अगर आप हिस्ट्री देखें चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की के दस्तखत के बाद, तो मुसलसल अगर आप सूरत हाल के ऊपर नजर डालें तो 2008 से लेकर अब तक डिविएशन जो अब आई है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से ही आई है। नून लीग ने और दूसरी इवन पीटीआई ने 2008 के इलेक्शन में देखिए, 2008 के इलेक्शन के अंदर उन्होंने बायकॉट किया था पीटीआई ने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा डिविएट किया। और अब भी नजर ये आ रहा है कि जो पीपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी टॉप लीडरशिप के जो मामला, अच्छा मैं पीपल्स पार्टी के ऊपर ही अगर मैं तमाम चीजें देखूं करने के लिए जो है वो खड़ी हुई है। असम साहब, मैं पीपल्स पार्टी के ऊपर ही तमाम चीजें देखूं तो आपको क्या लग रहा है, क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में इत्तेहाद बरकरार रख रही है या हुकूमत के साथ जाती हुई नजर आ रही है, आप क्या समझते हैं? इस वक्त तो देखिए वो लग रहा है कि वो किसी डील के चक्कर में है जी। मुझे वो अपोजिशन के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही, दूसरे एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। सेनेट के अंदर उन्होंने बाकायदा जो अपोजिशन की जो दूसरी सत्ताईस जो मेंबर है उन्होंने अलग सीटों की दरख्वास्त की है, तो अपोजिशन तो भी जो है पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन नहीं रही। सही। तो आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि वो पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन के, ठीक है, किस तरह तवक्को कर सकते हैं ये अब आने वाले वक्त में ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया असमतुल्ला नियाज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल चल रही है पीडीएम में, जो दरारें हैं वो वाजह तौर पे अब नजर आने लगी हैं, और अब जिस तरह से पीपल्स पार्टी का बयान सामने आता है कि हुकूमत के साथ भी चलने को तैयार हैं, मसाइल पे बात हो सकती है, तो फिर पीडीएम को शुरू क्यों किया गया, पीडीएम के साथ क्यों बैठा गया, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी भी जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।